ये नौ तपा क्या होता है? बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं सर, हर साल गर्मी आती है, हर साल हम सुनते हैं कि नौ तपा चल रहा है, इन नौ तपों में लू बहुत चलती है, गर्मी बहुत चलती है, घर से बाहर मत निकलना। तो आखिर ये नौ तपा होता क्या है और किसे कहते हैं नौ तपा? ये देखिए आप, नौ तपा क्या होता है? नौ तपा इसे कहते हैं कि हर साल सूर्य 15 दिन के लिए रोहिणी नक्षत्र में गोचर करता है। जब वो 15 दिन के लिए रोहिणी नक्षत्र में गोचर करता है तो रोहिणी नक्षत्र के पहले के 9 दिन को नौ तपा कहा जाता है। नौ तपा यानी 9 दिन तपना। इस 9 दिन साल की सबसे भयंकर गर्मी पड़ती है। इन 9 दिनों में आंधी तूफान चलते हैं और बहुत बड़ी लू चलती है और लोगों को कहा जाता है कि घर में रहें। यह नौ तपा या तो मई के एंड में आएगा हर साल या फिर जून के फर्स्ट वीक में आएगा, इसी के बीच में यह नौ तपा आता है। इन 9 दिनों में सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर बिल्कुल सीधी पड़ती है, बिल्कुल सीधी। इसी कारण से पृथ्वी पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। इन 9 दिनों में सूर्य और पृथ्वी एक दोनों आमने सामने होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा तेज रहता है। इन 9 दिनों में सबसे ज्यादा धरती तपती है, इसलिए इसको नौ तपा कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक महत्व भी है, पौराणिक महत्व तो है ही है, इसका साथ में एक वैज्ञानिक महत्व भी है। खुद इसके ऊपर रिसर्च हुआ, खुद वैज्ञानिक कहते हैं कि इन 9 दिनों में महासागर में सबसे ज्यादा वाष्पीकरण होता है और बादल बनते हैं। बादल बनने के बाद में यही बादल बारिश के मौसम में आते हैं और धरती पर बारिश करते हैं। तो इसका वैज्ञानिक महत्व भी है, वैज्ञानिक इंपॉर्टेंस भी है। इन 9 दिनों में धरती पर सबसे ज्यादा वाष्पीकरण होता है महासागरों से, और फिर यही बादल बनते हैं और यही फिर धरती पर बरसात करते हैं। तो इसीलिए इन 9 दिनों को नौ तपा कहा जाता है, यानी नौ और तपा यानी तपना। इन 9 दिनों में धरती सबसे ज्यादा तपती है, इसलिए नौ तपा कहा जाता है। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो देखते रहें आप।